लेकिन किरण जी, अगर स्टॉक प्राइस देखें तो लगातार वन वे ट्रेजेक्ट्री, एक डिप भी आया पिछले, अगर ईयरली चार्ट की, मंथली चार्ट की बात करें तो उसको भी अब्जॉर्ब किया स्टॉक ने, अब तक के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं हीरो मोटोकॉर्प? मेरा मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और ये जो कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो रही है, मेरे चार्ट के हिसाब से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। बल्कि हमने ये देखा है कि आज का जो लो है वो एग्जैक्टली राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर है। पिछले दो बॉटम अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका लो वही आता है। तो जब तक इस लो को हम क्रॉस नहीं करते तब तक शॉर्ट टर्म चार्ट भी नेगेटिव नहीं होते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 3300 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो अगर क्रॉस कर दे तो वापस एक बार स्टॉक में मोमेंटम देखिए। राइट, आपके रडार पर सर कौन से दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी की सलाह देंगे? मेरा पहला स्टॉक BEML है, जहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट हमने देखी है और मेरे ख्याल से इधर से और भी तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखाई दे रहे, तो मेरा स्टॉप लॉस 1010 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 1065 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा होगा टाटा केमिकल, जहाँ पे स्टॉप लॉस 459 का रहेगा और टारगेट 470। और तीसरा इंडिया इंडिया सीमेंट है, जहाँ पे एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है और मेरा मानना है एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। 117 के स्टॉप लॉस के साथ नए पोजिशन लिए जा सकते हैं और टारगेट 125 आज ही आ जाने चाहिए। चलिए, तो इंडिया सीमेंट, टाटा केमिकल, BEML जैसे स्टॉक्स पे नजर रखें, ये रडार पर हैं। लेकिन सर, दो स्टॉक्स RPG लाइफ साइंसेज, इस पे क्या करें? खबर यही कि सनफार्मा के साथ ब्रांड्स एक्वायर कर रही है कंपनी। इसके अलावा अमृतांजन, दोनों स्टॉक्स पे एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो RPG लाइफ साइंसेज और अमृतांजन के चार्ट देख के बताएं, क्या यहां पर अभी और तेजी बढ़ेगी? तेजी बढ़ सकती है रजत जी, पर इधर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में 260 से 400 ये स्टॉक भाग चुका है। तो इतने बड़े तेजी के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। पर जिनके पास बुल होल्ड करने की सलाह दूंगा, इनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 360 RPG लाइफ के लिए। दूसरा स्टॉक क्या, कौन सा बोला था आपने? अमृतांजन सर, अमृतांजन अब तेज होता हुआ नजर आया आज के सत्र में, और अब ये पहुंच गया 478 के जोन्स पे, बहुत स्ट्रॉन्गली एक्यूमुलेशन, एवरेज 8% की तेजी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न है और मेरा मानना है कि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि है 525, ये करीबन 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में आ जाना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह होगी 465 का स्टॉप लॉस। एक स्टॉक आज वॉल्यूम्स थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी कामधेनु आपको कैसा लग रहा है? ये स्टॉक भी एक रेंज में कामकाज कर रहा था, लेकिन आज जब बाजार खुला तो उसके बाद से ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई, और इनफैक्ट आज जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी का ही लो है, और उसके बाद से तेजी बढ़ रही है। क्या करना चाहिए इस स्टॉक पे? हाँ, थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, पर जैसे आपने कहा, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले लेना चाहिए स्टॉक। इधर से 56 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे ख्याल से 62-64 के टारगेट्स आपको आज या कल कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए।